देश नहीं है, भारत सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है, भ्रष्टाचारी नहीं है, सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। क्योंकि उन्होंने दो लिस्ट बनाई, एक भ्रष्टाचारी देश, एक सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश। तो भारत जो है वो सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देशों में शामिल है। तो गुलाम भारत में ये भ्रष्टाचार नहीं था, सर्वाधिक भ्रष्टाचार नहीं था, ये भ्रष्टाचार आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया। वेस्टर्न कंट्री के लोग कहते हैं पावर करप्ट, एन एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। पहले लाखों में भ्रष्टाचार होता था, फिर करोड़ों में भ्रष्टाचार होने लगा। तो करोड़ों में भ्रष्टाचार से ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ तो कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का किया। तो अब लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। ऐसा घोटाला दुनिया में किसी देश में भी नहीं हो रहा है। तो ये गुलाम भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार नहीं था, ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार इन्होंने पैदा किया, ब्राह्मणों की अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है। जहां अंग्रेजों का राज था भूखमरी नहीं थी, लोग गरीब थे, अपने बेटे बेटियों की शादी लगाने लायक थे। आजाद भारत में लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए और अपने बेटे बेटियों की शादी लगाने लायक ही नहीं रहे। सरकार को अनुदान देना पड़ रहा है शादी लगाने के लिए, और शादी लगाने के नाम पर कुछ नए नए महात्मा खड़े हो रहे कि भाई 1,000 लोगों की मैं शादी लगाए, हो गया महात्मा, इसके लिए लोग महात्मा बन रहे। अब गरीब लोगों को लगता है 1,000 जोड़ों की शादी लगाया ये तो महात्मा हो गया। गुलाम भारत में लोग गरीब थे, अपने बेटे बेटियों की शादी लगाने लायक थे। आजाद भारत में अपने बेटे बेटियों की शादी लगाने लायक ही नहीं रहे। महान देश है। तो ये भूखमरी के कगार पर अनियंत्रित सत्ता का तीसरा भयंकर परिणाम है कि उन्होंने भूखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचाया। एक आतंकवाद, एक भ्रष्टाचार, एक भूखमरी। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े प्रश्न और बड़ी बड़ी समस्याएं इन्होंने पैदा की। तो क्या इन लोगों को जो भारत का राज 2 सितंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, तब से लेकर अब तक ब्राह्मणों का राज है और जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे ये राज कमजोर होने के बजाय मजबूत हो रहा है। पता नहीं ये बात सिखों को पता है या नहीं है, स्वर्ण मंदिर पर जो हमला हुआ वो हमला अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है। किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है, ना देश के लोगों के सामने ना इंटरनेशनल लोगों के सामने कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरह से ये सारे संकेत इस बात के सबूत है कि उन लोगों ने प्रजा को गुलाम बनाकर रखा है। तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया गया था और आजादी मिलने के बाद ब्राह्मणों ने आजादी पर कब्जा किया और शहीदों के साथ विश्वासघात किया।
जो लोग आजादी के लिए शहीद हुए वो ब्राह्मणों का राज स्थापित करने के लिए शहीद नहीं हुए थे। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इन्होंने पैदा की, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने वाले जो शासक है वो नालायक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने के बाद भी वही हुक्मरान है तो उनको केवल नालायक नहीं कहा जा सकता। अगर नालायक होते तो चले गए होते, लोगों ने उसको बेदखल कर दिया होता। नालायक नहीं है, कानून और संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए इसके विरोध में हमारे पास अब केवल मात्र एकमात्र उपाय बचा हुआ है। सारे उपाय प्रभावहीन हो गए हैं, मगर जो उपाय मैं बता रहा हूं वो उपाय प्रभावहीन होने वाला उपाय नहीं है। वो उपाय है राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहिए। अगर हम आंदोलन को जन आंदोलन बनाते हैं और 6 लाख गांवों का आंदोलन खड़ा करते हैं तो हम लोग इस देश में आजाद हो सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए जो बैकवर्ड क्लास के तमाम लोग, जो जैन धर्म के हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, सिखिज्म को मानने वाले लोग हैं, लिंगायत धर्म को मानने वाले लोग हैं, सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी हैं, वो सारे लोग अगर मिलजुल कर आंदोलन का निर्माण करें तो मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों को, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन चलाया वो आजाद हो गए, हमारे लोगों ने गांधी को संत माना, गांधी को साधु माना, शैतान को साधु माना, शैतान को महात्मा माना और हमारे लोगों ने गांधी का साथ दिया। हमारा साथ लेकर गांधी ने अपने आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और जन आंदोलन की वजह से 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को वापस जाने का निर्णय लेना पड़ा। 9 अगस्त 1942 का आंदोलन गांधी का, क्विट इंडिया मूवमेंट, ए डू और डाई का मूवमेंट था, करो और मरो का निर्णय था, आंदोलन था, करो और मरो का जो आदेश गांधी ने दिया था ये हिंसक आंदोलन था। ये प्रचार किया जाता है कि गांधी ने न ढाल उठाई, न तलवार उठाई, न गोली उठाई, न गोली चलाई और बगैर तलवार के ही आजादी दिलाई, बगैर हिंसा के आजादी दिलाई, ये प्रचार झूठा है। गांधी ने 9 अगस्त 1942 को हिंसा करने का आदेश दिया था, राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई थी, उसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत से जाने का निर्णय किया था। मैं आप लोगों को हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को जन आंदोलन करने के लिए कह रहा हूं। मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोग अगर हम सारे देश भर में सड़कों पर उतार देते हैं तो मेरा यकीन है, विश्वास है कि हम लोग आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं,
सभी समानता मानने वाले धर्म। देखो भारत में दो प्रकार के धर्म है, एक धर्म यहूदी है जो जन्म आधारित ऊंच नीच की बात मानता है या जन्म आधार का सिद्धांत मानता है, तो वो वंश भेद को मानता है। ब्राह्मण धर्म भी, ब्राह्मण के घर में केवल ब्राह्मण पैदा हो सकता है, वो भी जन्म आधारित सिद्धांत मानता है। पारसी जो धर्म है वो भी जन्म आधारित सिद्धांत मानता है। ये तीनों के तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मानने वाले धर्म है। जैन, बुद्धिस्ट, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, लिंगायत, ये जन्म आधारित सिद्धांत को नहीं मानते हैं, श्रेष्ठता और कनिष्ठता के सिद्धांत को, तो ये समानता के सिद्धांत को मानते हैं। इसलिए इन लोगों को जो समानता के सिद्धांत को मानते हैं, इनको इकट्ठा आकर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो इस देश के अंदर मजलूम बना दिए गए हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना होगा। इकट्ठा होने से भी काम नहीं चलेगा, इकट्ठा करना होगा। एक तो इकट्ठा होना है और एक इकट्ठा करना है। अगर हम इकट्ठा होने की बात करते हैं तो लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, तो लोग अपने आप इकट्ठा होने वाले नहीं है। लोगों को इकट्ठा करना होगा, लोगों को इकट्ठा होने का अपील करना, आवाहन करना, और लोगों को सक्रिय होकर इकट्ठा करना, रात दिन मेहनत करके, ये दो अलग अलग बातें हैं। भारत मुक्ति मोर्चा आजादी के लिए, ये देश हमारा है, तो ये देश हमारा है तो हम लोग इस देश को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करना चाहते हैं। और जब ये देश आजाद हो जाएगा, तो ये देश जो आजाद हो जाएगा, तो गुरुओं के सिद्धांत के अनुसार इस देश में बेगमपुरा खालसा राज स्थापित कर दिया जाएगा। सारे देश भर में बेगमपुरा खालसा राज स्थापित कर दिया जाएगा। बेगम का मतलब है जिसमें कोई गम नहीं हो, जिसमें कोई दुख नहीं हो। खालसा का मतलब है